मैं और मंसूर साहब आज लंच पर गए थे। वहां फरिया भी किसी के साथ आई हुई थी। कैसी लग रही थी वो? पता नहीं, मैंने नहीं देखा, मंसूर साहब ने देखा था। फरिया मंसूर साहब की दूर की जानने वाली है। मंसूर साहब ने फरिया और अरसलान की शादी की पिक्चर्स फेसबुक पर देखी थी। सच सच बताओ साहब, उसे तुमसे कोई बदतमीजी तो नहीं की? मेरे से क्यों बदतमीजी करेगी, मैं तो उसे वहां पर मिली भी नहीं। खैर, मैं ये सब फालतू बातें आपको क्यों बता रही हूँ। हबीब, क्या वो आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, बस चक्कर आ गया। क्या कह रही थी तुम? आपके घर में सब ठीक है? अकबर भाई की अम्मी, अकबर भाई। अब मैं इसको क्या बताऊं कि मैं किन किन मसाइल में घिरी हुई हूं। ठीक हूं, क्योंकि आजकल तो अकबर की अम्मी से मेरी बहुत दोस्ती हो गई। यानी शादी के इतनी अरसे के बाद अकबर भाई की अम्मा को आपकी कदर होने लगी। सास से दोस्ती रहना, इसी में बहुओं की बेहतरी है। खुदा का कुछ खौफ करो, हम शरीफ लोग हैं। कहाँ का शरीफ खानदान है भाई? और अगर आप जैसा शरीफ खानदान है ना, तो हम तो बदमाश ही सही। क्यों भाई, ऐसा मैंने क्या कर? और जो कुछ भी मैंने किया है ना, उसमें तुम बराबर की शरीक थी। मतलब जो आप साजिशें करती फिरती थी, उसमें मैं बराबर की शामिल थी? हाँ बिल्कुल। क्या सबूत है? मेरी बात सुनो, तो मुझसे ना इस लहजे में बात करने की जरूरत नहीं है तुम, वरना तुम्हारा भी मैं वही हाल करूंगी जो सामिया का किया। और ये जो तुम प्लानिंग कर रही हो ना मेरे बेटे को अमेरिका लेके जाने की, इसमें मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। अरे तुमसे मैंने एक घर क्या कह दिया कि मेरे बेटे के नाम कर दो? तुमने तो अपनी औकात दिखा दी। और अगर तुमने ये अपना घर अरसलान के नाम नहीं किया ना, तो देख लेना, सामिया के नाम की तलवार सारी जिंदगी तुम्हारे सर के ऊपर लटकती रहेगी। अब जो मेरे हाथ से बूट लगा है ना, अरसलान तो सामिया को बिल्कुल तलाक देगा, और उसके टूटे दिल पर मरहम रखने के लिए मैं उसे ले जाऊंगी US। और आप लोगों पे अगर कभी कोई बुरा वक्त भी आ गया ना, तो मुंह नहीं देखेगा आप लोगों का। इसके हाथ ऐसा कौन सा सबूत लग गया है?